एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी अनु ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आयो अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अनु बढ़ाना स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल आपके अनु में। तो मॉर्निंग का रूटीन मेरा शुरू हो चुका है हमेशा की तरह, जो मेरा डेली का रूटीन होता है। तो वो मैंने झाड़ू बर्तन वर्तन पोछा सोचा सब हो गया, मतलब जो भी होता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आज मुझे बनानी है मक्के की रोटी और नमक की रोटी पानी के हाथ की, और चटनी के साथ में। और चटनी मेरी खत्म हो रही है और घी भी खत्म हो रहा है, तो मैं मक्खन बनाती हूँ। रोटी के साथ मैं बनाऊंगी लाल मिर्च की चटनी। जो लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड, बच्चे भी। तो ख़त्म हो रही है, अभी मैं जाके बनाती हूँ। और हाँ, मक्खन भी ख़त्म हो रहा है तो वो भी मुझे बनाना है अभी। और कंफ्यूज हो रहा है अभी, ऋतिक बाहर है, वो भी सो रहा है, उठ गया था बट अभी दोबारा से लेट गया है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। ओके, अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये मैं पानी लिया है कटोरी में, और इसमें मैंने मिर्ची डाली हुई है। तो ये किस लिए, इससे अच्छे से मतलब ये भीग जाएंगी और चटनी बनाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आज मुझे ना चटनी बनानी है सिल पर, जो सिल बाट होते हैं ना उस पर बनानी है, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो रखी है। और वैसे भी कभी कभी मतलब बड़ाना जी को ना सिल की चटनी ज़्यादा पसंद है, और सिल के मसाले जो होते हैं पिसे हुए वो ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मिर्ची भिगो दी है पानी में, और यहाँ पे मैं मक्खन बना रही हूँ। जो मलाई रखी थी मेरे पास में उसको मैंने डब्बे में डाला हुआ है, उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी तो बहुत अच्छा मक्खन बन के रेडी हो जाएगा हमारा। और हाँ, इस तरह से अगर हम मक्खन हाथ से बनाते हैं ना तो एकदम ताज़ा मक्खन भी बना सकते हैं। मलाई हमारे पास में अवेलेबल होती ही है, तो हम जब चाहे तब मक्खन बना के रेडी कर सकते हैं और खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, हमारी मेहनत रंग लाई है और मक्खन हमारा बन के रेडी हो चुका है। और ये मेरे हाथ में रही है, ये लकड़ी की रही है, इससे मैंने हाथ से ही फेंटा है। जो ब्लेंडर होता है ना उस टाइप से, ये हैंड ब्लेंडर ही समझो एक तरह का। तो ये मक्खन मैं अपनी फिंगर की हेल्प से हटा लूँगी। तो ये जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना, इस तरह हम लोग गाँव में जो लस्सी बनाते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, तो उसकी रही को हम लोग ऐसे ही साफ़ करते थे। तो मक्खन मैंने बना लिया है और अच्छे से निकाल के रख दिया है कटोरे में, साफ़ करके दो तीन बार धोया था मैंने। जितनी बार हम धोते हैं उतना ही एकदम साफ शुद्ध बनता है मक्खन हमारा, बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे मिर्ची भी मेरी गीली हो गई है, तो इनको मैं पानी से निकाल लूँगी और सिल के ऊपर रख दूँगी। सिल क्या होती है सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो देखिएगा, पत्थर का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख के पीस लेते हैं उसको बारीक, बिना मिक्सी के। मतलब अगर मिक्सी नहीं है तो हम सिल की हेल्प से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनानी शुरू कर दी है, और ये देखिएगा मैं लहसुन काट रही हूँ यहाँ, मिर्ची मैंने निकाल के रख ली है, और मिर्ची के अंदर मैंने कुछ और नहीं डाला है, लाल मिर्च है साबुत, और थोड़ी सी थोड़ा सा नमक है, और ये थोड़ा सा लहसुन है, लहसुन है चार पांच जो होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं। बट मेरे को तो ना लाल मिर्च की चटनी हो या हरी मिर्च की चटनी हो तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, क्या लहसुन बहुत अच्छा लगता है। तो लाल मिर्च की चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, ये मक्के का आटा है, ये डिफरेंट स्टाइल में गूंदा जाता है। तो देखिएगा मैंने आटा लिया है और पानी डाल दिया इस तरह से करके। अब यहाँ पे लोई बनाने के बाद मैंने रोटी बना के डाल दी है तवे के ऊपर, तो ये देखिएगा। और ये मैं हाथ से ही बनाती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब चकले के ऊपर बना के बेलते हैं, बट मैं हाथ से बनाती हूँ, प्रैक्टिस है मुझे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, मक्के की रोटी खाने का अलग ही आनंद है, और साग के साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे तो चटनी के साथ भी पसंद है। मेरे हस्बैंड चटनी के साथ ही पसंद करते हैं, लाल मिर्ची चटनी हो और मक्के की रोटी हो, मक्खन रखा हुआ हो वाइट मक्खन, और लस्सी का गिलास, वाह क्या कहने हैं, सारी सब्जी फेल होती है चटनी के आगे। तो ये देखिएगा मैं इस तरह से बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरह लोई बना रही हूँ मैं, किस तरह से मैंने इसको आटे को गूंदा है और किस तरह मैं सेकूँगी। तो देखिएगा इस तरह से धीरे धीरे करके लोई बना लेंगे, और ये देखो फिर मैंने हथेली पे रखा और फिर इसको आपस में दोनों हथेली मिला मिला करके धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जितनी बड़ी हमको रोटी बनानी होती है तब तक हम इसको इस तरह से बढ़ाते रहते हैं। और तवे पर मैंने चेक किया कि रोटी हमारी पच गई है, मतलब सिक गई है, तो इसको मैंने उतार के साइड में रख लिया है,
और दूसरी वाली रोटी जो मेरे हाथ में थी वो डाल दी है। अब ये देखिएगा, लाइटर चला के मैं ये वाला चूल्हा ऑन कर दूंगी और ये वाली मक्के की रोटी मैं यहीं पे सेक लूंगी, क्योंकि साहब को भूख लगी है बहुत तेज़ और मक्के की रोटी देख के उनसे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये देखिएगा, मैं धीरे धीरे करके रोटियां सेक रही हूँ। एक तवे पे मैंने पचा रखा है इसको और दूसरे चूल्हे पे मतलब मैं सेक दूंगी। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम लोग मक्के की रोटी बनाते हैं। और कुछ लोग ना, जिनको मतलब मक्के की रोटी नहीं बनानी आती, वो गेहूँ का आटा मिला के बना देते हैं, बट टेस्ट नहीं आता है उसमें, बिल्कुल बेकार हो जाता है, खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ और मक्के की जो रोटी होती है ना, हमें मीडियम फ्लेम पे सेकनी चाहिए। तो चूल्हे पे वैसे बहुत अच्छी बनती हैं, बट गैस पे भी अच्छी बन जाती हैं। इनको धीरे से सेकना चाहिए, आराम आराम से, और दोनों तरफ से बराबर करके सेक लूँगी मैं, कभी इधर से कभी उधर से उलट पलट करके। और ये रवे की भी मैंने पलट दी है, तो ये दूसरी साइड से सीख जाएगी। इतने में ये गैस पे रोटी सेक लेती हूँ जो ये इस चूल्हे के ऊपर मैंने रखी हुई है। तो ये देखिएगा, रोटी हमारी सीख गई है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया, गैस बंद कर दी है मतलब। तो दूसरी वाली रोटी को मैं देख रही हूँ चेक करके कि ये अभी बनी है कि नहीं बनी है। तो मैं और बाकी की रोटियाँ भी इसी तरह से बना लूँगी जैसे मैंने अभी बनाई थी। तो पानी का हाथ लगाएंगे, आटे की लोई को ले लेंगे हाथ में, और ये देखिएगा धीरे धीरे से हम इसको अच्छे से बढ़ाएंगे और एक अच्छी सी लोई बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो बस हम अपने हाथ में लेके इसको धीरे 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 बढ़ा लेंगे जितनी हमको चाहिए होगी। इसमें ना हम तेज से हाथ नहीं चलाते हैं, देखिएगा मैं कितने प्यार से हाथ चला रही हूँ ना, एकदम स्लोली स्लोली। तो इसी तरह से हम रोटियाँ बनाते हैं मक्के की, और बाजरे की रोटी भी ऐसे ही बनती है, मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया भी है। या फिर सीजन में मतलब जब बाजरे का सीज़न होता है ना, तब मैं फिर से बना के दिखाऊँगी। तो ये देखिएगा, बड़े प्यार से मैंने तवे के ऊपर डाल दी है रोटी, और इसको भी हम बहुत ही प्यार से डालते हैं और बनाते भी आराम से हैं प्यार से, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है, बहुत जल्दी टूट जाती है रोटी। तो ये देखिएगा, अब मैं सारी रोटियां मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ। और कई तरीके से लोग ना रोटियां बनाते हैं। कुछ लोग चकले पे रख के ना, आटे की लोई को चकले पे रख के हाथ से बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग पिन्नी की जो सीट होती है ना, प्लास्टिक सीट, उसको बिछा करके भी बनाते हैं। तो मैं तो सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाती है मेरे से रोटियाँ। बट मैं और दो तीन तरह से मतलब बना के दिखाऊँगी, जिसको जिस तरह से अच्छी लगती है वो बना सकता है, क्योंकि सब लोगों को हाथ से अच्छे से बनती नहीं है रोटी, टूट जाती है। कुछ लोग तो ना मक्के के आटे में गेहूं का आटा मिक्स करके रोटियां बनाते हैं, बट वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपका मन रोटी खाने का है, मक्के की रोटी खाने का, तो आप थोड़ा कोशिश करके बनाइएगा, बट गेहूँ का आटा बिल्कुल भी मिक्स ना करें। तो ये देखिएगा, रोटी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैं मक्खन रख रही हूँ। और मक्के की रोटी पर ना थोड़ा मक्खन ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मक्खन रखने में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। ढेर सारा मक्खन रखें रोटी के ऊपर, और फिर रखें लाल मिर्च की चटनी। ये देखिएगा, तो खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी। वाओ, मुंह में पानी आ रहा है ना देख करके। ये देखो, ये लो मक्के की रोटी मक्खन के साथ में और लस्सी का ग्लास। कुछ नहीं होगा। तो चुकी है और काम हमारा सारा खत्म हो चुका है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, और जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन आता है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।